हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हंसराज कुमार फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन से ट्यूब के अंदर कौन सा सैंपल लिया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही ब्लड कलेक्शन ट्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम लेवल से पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्पल टॉप ट्यूब। पर्पल टॉप ट्यूब जो फ्रेंड होती है, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, पर्पल टॉप ट्यूब। और पर्पल टॉप ट्यूब को फ्रेंड लेवेंडर टॉप ट्यूब भी कहते हैं, और फ्रेंड इसको ईडीटीए ट्यूब भी कहते हैं। फ्रेंड, ईडीटीए ट्यूब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है या एडिक्टिव प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ईडीटीए। फ्रेंड, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए क्या होती है। चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसके अंदर जो ईडीटीए होता है, जो ईडीटीए होता है वो क्या होता है फ्रेंड, एक एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितना ml सैंपल लिया जाता है। फ्रेंड, जो ईडीटीए ट्यूब होती है इसके अंदर हम 2 ml सैंपल लेते हैं, और फ्रेंड इसके साथ ही यदि इसके अंदर 2 ml के ऊपर मार्किंग होती है, तो फ्रेंड आप यदि वायल को जैसे देखेंगे तो उस वायल पे 2 ml के ऊपर मार्किंग होती है। वो 2 ml मार्किंग इसीलिए होती है कि इसके अंदर 2 ml सैंपल लिया जाना है। इसके साथ ही फ्रेंड, जो ट्यूब होती है यानी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वैक्यूटेनर भी कहते हैं। वैक्यूटेनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टोप लगा हुआ होता है वो टोप क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है ताकि जो ब्लड आराम से इसमें ड्रॉप हो सके। अब फ्रेंड बात करते हैं हम ईडीटीए वायल के यूजेज की। तो फ्रेंड, जो ईडीटीए वायल का जो यूज होता है वो किसके अंदर किया जाता है, हीमोग्राम जैसे सीबीसी हुआ, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में फ्रेंड क्या क्या आते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट हुआ, आरबीसी काउंट हुआ और प्लेटलेट काउंट। इसके साथ ही फ्रेंड इसका जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी यूज किया जाता है। और इसके साथ ही फ्रेंड इसका जो यूज होता है एचबीएवनसी का जो सैंपल है वो भी ईडीटीए वायल के अंदर लिया जाता है। फ्रेंड, यदि आपसे पूछा जाए कि एचबीएवनसी का सैंपल कौन सी वायल में लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ईडीटीए वायल के अंदर एचबीएवनसी का सैंपल लिया जाता है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं एचबीएवनसी की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एचबीएवनसी की फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, तो इसका जो और यूज होता है वो होता है डीएनए और आरएनए के आइसोलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है उसका भी, या पेरिफेरल ब्लड फिल्म या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मियर जो सैंपल लिया जाता है वो भी इसी से हम ईडीटीए वायल से ही लिया जाता है। इसके साथ फ्रेंड, जो ब्लड बैंक के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच करवाते हैं वो भी ईडीटीए वायल के अंदर ही सैंपल जाता है। अब फ्रेंड इसकी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, जो ये जो वायल होती है इसमें जो एंटीकोगुलेंट ईडीटीए प्रेजेंट होता है उसके जो मिक्सिंग के लिए जो इन्वर्जन किया जाता है, इसको जो इन्वर्जन कितने डिग्री पे किया जाता है फ्रेंड, 180 डिग्री पे क्या किया जाता है फ्रेंड, इन्वर्जन। ये 0 डिग्री हुआ, इसको ऐसे करेंगे तो ये 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री पे इसका इन्वर्जन करते हैं। और कितने टाइम्स करते हैं फ्रेंड, 8 टाइम्स का इन्वर्जन करते हैं, यानी 8 बार इसका इन्वर्जन करते हैं। फ्रेंड, अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं, ब्लू टॉप ट्यूब। फ्रेंड, जो ब्लू टॉप ट्यूब होती है उसको हम कौन से वायल कहते हैं, सिट्रेट वायल भी कहते हैं। इसको फ्रेंड सिट्रेट वायल इसलिए कहते हैं, इसके अंदर सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है। फ्रेंड, जो ये जो ब्लू वायल होती है, कुछ वायल के अंदर 3.8% सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, कुछ वायल के अंदर 3.2% सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। और फ्रेंड इसके अंदर इसके कौन कौन से सैंपल इसमें लिए जाते हैं, तो फ्रेंड जो कोगुलेशन वाली जो प्रोफाइल होती है, कोगुलेशन में कौन कौन से फ्रेंड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो साइट्रेट वायल या फिर ब्लू वायल के अंदर लिया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और डी डायमंड टेस्ट, ये सब इसके अंदर लिया जाता है साइट्रेट ट्यूब के अंदर। फ्रेंड, जो INR लिया जाता है वारफेरिन जो टेबलेट चलती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम चेक करते हैं। इसके साथ जो एपीटीटी होता है यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम होता है वो हिपेरिन की मॉनिटरिंग करने के लिए हम चेक करने के लिए इसका टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, जो साइट्रेट या फिर जो ब्लू टॉप वायल होती है उसका उपयोग डी डायमंड टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो डी डायमंड टेस्ट करते हैं, तो डी डायमंड किसके लिए किया जाता है, तो फ्रेंड जो डी डायमंड टेस्ट किया जाता है वो डीवीटी एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पुलमोनरी एम्बोलिज्म का पता लगाने के लिए हम डी डायमंड टेस्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात करते हैं रेड टॉप ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो रेड टॉप ट्यूब होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्लेन ट्यूब और दूसरी होती है
क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब। फ्रेंड जो क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब होती है उसमें केओलिन करके एक क्लॉट एक्टिवेटर होता है इसके अंदर। और फ्रेंड इसको हम सीरम सेपरेशन ट्यूब भी कहते हैं। इसको सीरम सेपरेशन ट्यूब इसलिए कहते हैं इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सीरम का सेपरेशन कर देता है। नीचे की तरफ हमें जो सेल्स होती है यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बैठ जाती है, ऊपर की तरफ हमें सीरम दिखाई देता है। फ्रेंड कभी आप लैब के लेबोरेटरी के अंदर गए होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ जो इसके अंदर जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो नीचे की तरफ सेल सेडिमेंट हो जाती है, ऊपर की तरफ सीरम हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड जो ये वाली जो ट्यूब होती है इसका जो यूज होता है मेनली इसका जो सीरोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं एक्सेप्ट अमोनिया को छोड़ के जो सारी सीरोलॉजी होती है मैक्सिमम वो इसके द्वारा किया जाता है प्लेन वायल के द्वारा। फ्रेंड जो प्लेन वायल होती है उसके अंदर कौन से टेस्ट होते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जिसके अंदर एसजीओटी एसजीपीटी ये सब इसके अंदर हम करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन में जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम यूरिक एसिड यूरिया क्रिएटिनिन ये सब इसके अंदर करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड जो टॉक्सोलॉजी हुई इम्यूनोलॉजी हुई इसके रिलेटेड भी इसी के अंदर जाता है फ्रेंड। और इसके साथ ही जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो भी हम प्लेन वायल के अंदर ही करते हैं, सीरम वायल के अंदर ही किए जाते हैं। तो फ्रेंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जो ये वाली जो वायल होती है उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया जाना चाहिए। इसको रेफ्रिजरेट क्यों नहीं किया जाना चाहिए फ्रेंड, इसको रेफ्रिजरेट इसलिए नहीं किया जाना चाहिए जब हमने इसको रेफ्रिजरेट किया तो जो सेल्स होती है उनका ह्यूमोलाइसिस हो जाएगा। ह्यूमोलाइसिस होने के बाद ये डिस्कार्ड करनी पड़ेगी इसलिए फ्रेंड इसका। और फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो रेट ऑफ ट्यूब वायल होती है जिसमें एक होती है क्लॉट एक्टिवेटर वायल और दूसरी प्लेन वायल। फ्रेंड जो सीएसएफ का जो सैंपल जाता है वो प्लेन वायल के अंदर जाता है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल के अंदर नहीं जाता। एक बार फ्रेंड किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने क्लॉट एक्टिवेटर वायल के अंदर सीएसएफ का सैंपल भेज दिया था तो वहां से वो रिटर्न हो गया था क्योंकि जो सीएसएफ का सैंपल वो किसमें जाता है, प्लेन में, क्लॉट एक्टिवेटर वायल के अंदर सीएसएफ का सैंपल नहीं जाता है। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूब येलो टॉप ट्यूब। फ्रेंड जो येलो टॉप ट्यूब होती है उसको हम जेल ट्यूब भी कहते हैं। इसको जेल ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर जेल प्रेजेंट होता है। आप फ्रेंड ट्यूब को येलो वाली ट्यूब को जैसे देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे नीचे की तरफ जेल हमें दिखाई देगा। फ्रेंड इसको इस जो ट्यूब होती है इसके अंदर जो जेल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सीरम और ब्लड सेल के बीच की इनकी डेंसिटी होती है। फ्रेंड इस ट्यूब को हम सीरम सेपरेशन ट्यूब एसएसटी या फिर प्लाज्मा सेपरेशन ट्यूब पीएसटी भी कहते हैं। और फ्रेंड इसका जो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है फ्रेंड ब्लड सैंपल लेने के 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स के बीच में ही सेंट्रीफ्यूज किया जाना चाहिए, इसके बाद करने से ये खराब हो जाता है सैंपल। तो इसका जो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है वो 30 मिनट टू 2 आवर्स के अंदर अंदर इसका सेंट्रीफ्यूज कर देना चाहिए। और फ्रेंड इसके मेन इंपॉर्टेंट बात बता दो इसका जो यूज किया जाता है वो प्लेन वायल के स्थान पर ही यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड ये जो वायल होती है थोड़ी कॉस्टली पड़ती है इसलिए मेनली जो सैंपल लिया जाता है वो किसके अंदर, प्लेन वायल के अंदर ही लिया जाता है। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो रेड टॉप वायल होती है उसके अंदर क्या होता है जो सीरम और जो ब्लड सेल्स होती है वो यहाँ तक प्रेजेंट होती है, लेकिन जब अपन सीरम इसमें लेते हैं तो क्या इसमें सीरम के अंदर सीरम लेते समय ब्लड की जो ब्लड सेल्स होती है उनकी मिक्सिंग होने की संभावना होती है क्योंकि इसके अंदर ये जेल प्रेजेंट होता है तो ये सेल्स और सीरम के बीच में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड सेल सीरम के अंदर मिक्स नहीं होती टेस्टिंग के दौरान। अब हम फ्रेंड बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो यूज किया मतलब कौन से कौन सैंपल लेने के लिए इसका यूज किया जाता है तो इसके अंदर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इनके लिए सब किया जाता है। इसके साथ थायरॉइड फंक्शन टेस्ट और जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है उसके लिए किया जाता है। इसके साथ ही जो बोन प्रोफाइल होती है कैल्शियम फॉस्फोरस सीरम एल्बुमिन सीरम ग्लोबुलिन इनके लिए सबका इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही टॉक्सोलॉजी और वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी और जो ट्यूमर मार्कर होता है ट्यूमर मार्कर पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या फिर CA125 ये सब मार्कर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ जो ड्रग लेवल का पता लगाने के लिए भी जैसे कि जो पैरासिटामोल होती है N-acetylcysteine इसका पता लगाने के लिए भी इस ट्यूब का यूज किया जाता है। बट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बात करते हैं फ्रेंड ग्रेट टॉप ट्यूब वायल के बारे में। फ्रेंड जो ग्रेट टॉप ट्यूब वायल होती है वो ग्लूकोज के मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। ग्लूकोज का जो सैंपल लिया जाता है वो इसके अंदर किया जाता है। कौन से सैंपल ग्लूकोज के इसके अंदर लिए जाते हैं, तो फ्रेंड फास्टिंग ब्लड शुगर पीपी ब्लड शुगर पीपी मतलब पोस्ट प्रेंडियल एंड खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद जो सैंपल लिया जाता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड हम पीपी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर।
और एक होता है फ्रेंड आरबीसी एंड रैंडम ब्लड शुगर। जो सैंपल लिया जाता है फ्रेंड किसके द्वारा किया जाता है, ग्रेट टॉप ट्यूब के द्वारा ये सैंपल लिया जाता है फ्रेंड। इसके साथ जो लैक्टेट का जो सैंपल है वो भी इसी के अंदर लिया जाता है फ्रेंड। जो लैक्टेट का जो लेवल है किस चीज में इंक्रीज होता है, जो हाइपो परफ्यूजन की कंडीशन में जो लैक्टेट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रेंड। जो ग्रेट टॉप ट्यूब होती है इसके अंदर जो सैंपल लिया जाता है वो कितना एमएल लिया जाता है, 2 ml का 2 ml सैंपल लिया जाता है। इसके अंदर फ्रेंड जो कंटेन होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है फ्रेंड। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है। यानी क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को मतलब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज होता है उसको जितना ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उतना ही रहने देता है, उसको कम होने नहीं देता है। यदि फ्रेंड यही सैंपल अपन किसी नॉर्मल वायल या फिर किसी अन्य वायल में लेते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, जो सेल्स होती है जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स क्या करेगी, ग्लूकोज का यूज कर लेगी, जिससे कि हमें जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, लो लेवल की रीडिंग होगी। इसके अंदर इसका यूज इसलिए किया जाता है, इसके अंदर जो सोडियम फ्लोराइड जो यूज होता है, कंटेन सोडियम फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, एंटी ग्लाइकोलिक एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज का जो जितना मात्रा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंट होती है उतनी ही शुगर ये इस वायल में सैंपल लेने से हमें जो है जो शुगर का जो लेवल है वो बिल्कुल क्लियर हमें पता चलता है कि जितना ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही हमें लेबोरेटरी के अंदर आएगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। फ्रेंड इसका जो सैंपल जो है ना चेक जो किया जाता है उसको तुरंत मतलब एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड जो इसको जो प्रिजर्व करके 5 दिन तक इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, 5 दिन तक 5 दिन के बाद चेक करोगे तो उतना ही इसमें ग्लूकोज मिलेगा, इसमें कम नहीं होता है। यदि किसी दूसरे वायरल में ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर हमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो लो रीडिंग हमें देखने को मिलती है। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक टॉप ट्यूब, यानी जिसका जो टॉप होता है वो कौन से कलर का होता है फ्रेंड, ब्लैक कलर का होता है। इसके अंदर फ्रेंड क्या होता है, सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है। यानी जो ब्लैक टॉप ट्यूब के अंदर जो सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है फ्रेंड, 1:4। यानी इसके अंदर एक पार्ट क्या होता है सोडियम साइट्रेट और 4 पार्ट क्या होता है ब्लड, यानी जो ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है उसके अंदर 4 पार्ट ब्लड का सैंपल और 1 पार्ट इसके अंदर सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट। इसके अंदर जो सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है वो कितना परसेंट प्रेजेंट होता है फ्रेंड, 3.8%। जबकि हम जो ब्लू वायल के अंदर सोडियम साइट्रेट देखे थे उसके अंदर जो इसका जो रेशियो होता है, यानी सोडियम साइट्रेट और ब्लड का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:9 होता है। जबकि जो ब्लैक टॉप ट्यूब वायल के अंदर जो रेशियो होता है यानी इसके अंदर कितना रेशियो होता है, 1:4। इसका जो यूज किया जाता है फ्रेंड, इसका जो यूज किया जाता है ईएसआर के लिए, ईएसआर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका यूज इसके लिए किया जाता है ब्लैक टॉप ट्यूब का फ्रेंड ईएसआर। उसके अंदर जो रेशियो होता है सोडियम साइट्रेट का कितना होता है, सोडियम साइट्रेट और ब्लड के बीच में कितना रेशियो होता है, 1:4 का, यानी 1 पार्ट सोडियम साइट्रेट और 4th पार्ट ब्लड। इसके अंदर जो एमएल लिया जाता है 1.6 ml फ्रेंड, इसके ऊपर लिखा होता है 1.6 ml इसके अंदर ब्लड लिया जाता है और इसके अंदर 0.4 ml जो होता है इसमें सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है। फिर इस वायल को देखेंगे तो इसके अंदर 0.4 ml प्रेजेंट होता है। जबकि जो ब्लू कलर की जो वायल होती है, यानी जो सिट्रेट वायल कहते हैं जिसको, ब्लू कलर वाली जो वायल थी हमारे पास उसके अंदर जो सोडियम साइट्रेट जो प्रेजेंट था वो कितना परसेंट था, उसके अंदर 0.2 ml, यानी उसके अंदर 0.2 ml था। जबकि अपनी जो ब्लैक वाली वायल है उसके अंदर कितना परसेंट है सोडियम साइट्रेट, 0.4 ml। यानी इसका जो रेशियो कितना हुआ, 1:4, और जो ब्लू वाली का जो रेशियो कितना हुआ, 1:9। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वायल ग्रीन टॉप ट्यूब। ग्रीन टॉप ट्यूब का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसके हमें हिपेरिन वायल भी कहते हैं फ्रेंड। इसका जो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है डार्क ग्रीन और एक होती है लाइट ग्रीन। जो फ्रेंड डार्क ग्रीन जो टॉप ट्यूब वाली जो वायल होती है उसके अंदर क्या होता है, सोडियम हिपेरिन। जबकि जो लाइट ग्रीन वाली जो ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, लिथियम हिपेरिन। जो फ्रेंड सोडियम हिपेरिन वाली जो ट्यूब होती है उसका उपयोग सोडियम के जांच के लिए किया जा सकता है, जबकि जो लिथियम हिपेरिन वाली ट्यूब होती है उसका उपयोग लिथियम के डिटरमिनेशन करने के लिए नहीं किया जाता है। फ्रेंड अब इसके अंदर जो सोडियम की जो सोडियम का जो रिजल्ट आएगा सोडियम हिपेरिन ट्यूब से, उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो 1 से 2 ml हायर आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी डार्क ग्रीन जो ट्यूब है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो डार्क ग्रीन का यूज अमोनिया की टेस्टिंग के लिए, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्रीन टॉप, यानी डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब का उपयोग किस किस की जांच के लिए किया जाता है फ्रेंड, अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन। फ्रेंड इसके साथ ही जो ग्रीन वायल है, जो ग्रीन टॉप ट्यूब है, इसका उपयोग कैरियोटाइपिंग के लिए भी किया जाता है फ्रेंड। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जो अपने जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी पिक्चर लेना, पिक्चर लेने के बाद में उसके जो गुणसूत्र उनके साइज को देखना, साथ ही उसकी एबनॉर्मलिटी है यानी एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग एक प्रोसेस करते हैं।
जो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ग्रीन टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल लेके हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग का सैंपल भी किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ग्रीन टॉप ट्यूब के द्वारा। चलिए फ्रेंड, अब हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके जो हम आज 9 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं उन 9 क्वेश्चन में से आपके कितने कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज्ड फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर, यानी कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जो फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर के लिए यूज की जाती है। हमारा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है येलो टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी ग्रे टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी ब्लैक टॉप ट्यूब और एंड ऑप्शन डी रेड टॉप ट्यूब। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन वन वापस दोहराते हैं, विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर, यानी कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जो फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए येलो टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी ग्रे टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी ब्लैक टॉप ट्यूब एंड ऑप्शन डी रेड टॉप ट्यूब। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा फ्रेंड, ग्रे टॉप ट्यूब। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेल कंटेनिंग ट्यूब, कौन सी जो ट्यूब होती है उसको जेल कंटेनिंग ट्यूब होती है या फिर जिसको जेल ट्यूब कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लैक टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी येलो टॉप ट्यूब और ऑप्शन डी ग्रीन टॉप ट्यूब। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या राइट आंसर है। हम क्वेश्चन वापस दोहराते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेल कंटेनिंग ट्यूब और जेल ट्यूब, कौन सी ट्यूब है जो कि जेल कंटेनिंग ट्यूब है या फिर जेल ट्यूब के नाम से जिसको जाना जाता था। ऑप्शन ए ब्लैक टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी येलो टॉप ट्यूब और ऑप्शन डी ग्रीन टॉप ट्यूब। हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, येलो टॉप ट्यूब। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब कंटेन सोडियम फ्लोराइड, कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ग्रे टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी येलो टॉप ट्यूब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन हम फिर से दोहराते हैं, विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब कंटेन सोडियम फ्लोराइड, कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ग्रे टॉप ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी येलो टॉप ट्यूब। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ऑप्शन डी नाइन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जो सोडियम फ्लोराइड है वो ग्रे टॉप ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो क्या है, विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज फॉर HbA1c ब्लड सैंपल, कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जो HbA1c ब्लड सैंपल के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए पर्पल टॉप ट्यूब और EDTA ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी ग्रीन टॉप ट्यूब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम फिर से दोहराते हैं, विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज फॉर HbA1c ब्लड सैंपल, यानी HbA1c ब्लड सैंपल के लिए कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब यूज की जाती है। ऑप्शन ए पर्पल टॉप ट्यूब और EDTA ट्यूब, ऑप्शन बी रेड टॉप ट्यूब, ऑप्शन सी ग्रीन टॉप ट्यूब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पर्पल टॉप ट्यूब और EDTA टॉप ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फ्रेंड वो क्या है, फुल फॉर्म ऑफ EDTA, EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए फुल फॉर्म ऑफ EDTA। चलिए फ्रेंड हम बात करते हैं फुल फॉर्म EDTA, राइट आंसर हमारा होगा इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेट। जो EDTA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेट। कभी कभी इसको ऑप्शन के अंदर इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड आता है तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स की, और क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो है रेशियो ऑफ सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड इन ब्लू टॉप ट्यूब, यानी जो सोडियम साइट्रेट और जो ब्लड का जो रेशियो होता है ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1:4, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:9 एंड ऑप्शन डी 1:6।
फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रेशियो ऑफ सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड इन ब्लू टॉप ट्यूब और वाई, यानी जो ब्लू टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर सोडियम साइट्रेट और ब्लड का रेशियो कितना होता है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी बताइए फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1:9। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट बात की फ्रेंड, जो ब्लू टॉप ट्यूब होती है उसमें जो सोडियम साइट्रेट की जो मात्रा होती है कितनी होती है फ्रेंड, 0.2 ml, और जो ब्लड की जो ब्लड हमें इसमें कितना ml लेते हैं, 1.8 ml। तो टोटल कितना हुआ वायल के अंदर, टोटल 2 ml इसके अंदर सैंपल हुआ। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड वो है रेशियो ऑफ सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड इन ब्लैक टॉप ट्यूब, यानी जो ब्लैक टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर सोडियम साइट्रेट और ब्लड का कितना रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर ए 1:4, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:9 एंड ऑप्शन डी 1:6। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर से बात करते हैं रेशियो ऑफ सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड इन ब्लैक टॉप ट्यूब, यानी सोडियम साइट्रेट और ब्लड का कितना रेशियो होता है ब्लैक टॉप ट्यूब के अंदर। ऑप्शन ए 1:4 एंड ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:9 एंड ऑप्शन डी 1:6। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 1:4। फिर इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये है कि जो ब्लैक टॉप ट्यूब होती है उसके अंदर जो सोडियम साइट्रेट की जो मात्रा होती है कितनी होती है फ्रेंड, 0.4 ml, और इसके अंदर जो ब्लड सैंपल कितना लिया जाता है, 1.6 ml। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच डिग्री इन्वर्जन ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब शुड बी डन फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, यानी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है वो कितने डिग्री के इन्वर्जन पे उसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं, ऑन विच डिग्री इन्वर्जन ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब शुड बी डन फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, यानी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है जिसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कितने डिग्री पे ब्लड कलेक्शन ट्यूब का इन्वर्जन करते हैं फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, 180 डिग्री। फ्रेंड इसका जो एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है उनका जो इन्वर्जन तो 180 डिग्री पे किया जाता है, इन्वर्जन किया कितनी बार जाता है, तो ये कितनी बार किया जाता है, 8 times इन्वर्जन जो किया जाता है वो 8 times किया जाता है फ्रेंड, यानी 8 बार इसका इन्वर्जन किया जाता है। चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। HbA1c इज ऑल्सो नोन एज, यानी HbA1c को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए HbA1c को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने जो अभी 9 questions देखे हैं उन 9 questions के कितने आंसर आपके करेक्ट हुए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 9 में से आप कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।